अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-4 ग्रेड 8 का जो इंग्लिश का फाइनल टर्म का जो टेस्ट पेपर है वो शेयर करूँगा। बेटा ये आपने करना है, इंशाल्लाह से पूरा पेपर इस समय से ही आएगा। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज मैं आपको लगवा देता हूँ, उसके बाद जो इसका बी पार्ट जो है यानी कि इंशाया जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो मैं जल्दी से बोलता जाऊँगा, आप लोगों ने जो वो लगा लेने। सबसे पहला एमसीक्यूज है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एलिटरेशन। तो पहले का जो है वो हमारे पास डी वाला ठीक होगा, इसी तरह जो दूसरा है दूसरे का भी हमारे पास डी वाला ठीक होगा, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा है रिकॉग्नाइज द सेंटेंस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब, तो तीसरे का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, ठीक है। और जो चौथा है, चौथे का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, ठीक है। सवाल या निशान जो है ये बना हुआ बी वाला, सॉरी ये सेमी कॉलन टाइप जो है एक नुक्ता और एक कॉमा लगा हुआ बी वाला, इसका ठीक होगा। इसके बाद जो पाँचवा है चेंज द नरेशन ऑफ गिवन सेंटेंस, ही सेड आर यू गोइंग टू लाइब्रेरी। तो पाँचवें का जो है हमारे पास डी वाला ठीक होगा, ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है जी। इसके बाद आगे छठा है, छठे का हमारे पास ए वाला ठीक होगा, शी स्टडीड थ्रोली फॉर हर अपकमिंग एग्जाम। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास सातवां, इन एवरी समर वेकेशन वी गो टू मरी एंड एंजॉय डैश देयर हिमसेल्फ ओवर सेल्फ देमसेल्फ हर सेल्फ। तो सातवें का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, ओवर सेल्फ, ठीक है जी। इसके बाद आठवां है, आठवें का डी वाला ठीक होगा, कॉम्प्लेक्स। और जो नौवां है आइडेंटिफाई कंपाउंड प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो नौवें का हमारे पास सी वाला ठीक होगा, आउटसाइड। इसके बाद दसवां है आइडेंटिफाई द, ये जो हमारे पास लिखा हुआ ड्रिफ्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो दसवें का हमारे पास सी वाला ठीक होगा। इसी तरह जो ग्यारहवां है, ग्यारहवें का हमारे पास ए वाला ठीक होगा और बारहवें का सी वाला ठीक होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, आगे हमारे पास दे विल हैव डैश लंच, तो तेरहवा जो है वो तेरहवें का हमारे पास ए वाला ठीक होगा, ईटन। इसके बाद चौदहवा है कंप्लीट द ब्लैंक विद द मॉडल वर्ब ऑफ द पॉसिबिलिटीज, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट डैश हैपन नेक्स्ट। तो चौदहवें का हमारे पास डी वाला ठीक होगा, माइट। इसके बाद पंद्रहवा है, पंद्रहवें का भी हमारे पास जो है वो डी वाला ठीक होगा, द जज ऑर्डर द कल्प्रिट टू स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। तो पंद्रहवें का डी वाला जो है ठीक होगा। इसके बाद सोलहवा है, सोलहवें का जो है वो सी वाला ठीक होगा, विल बी लर्निंग। और जो सतारवा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग हाइपरबोल, ठीक है। तो ये सतारवा जो है सतारवें का ए वाला ठीक होगा, अठारहवें का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, द ब्यूटीफुल बर्ड मेक नेस्ट अंडर द लीव्स, ठीक है जी। इसके बाद उन्नीसवां है, उन्नीसवें का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, फॉरगेटफुल, ठीक है। इसके बाद बीसवां है, बीसवें का हमारे पास डी वाला ठीक होगा, द चीफ शॉप्स वेजिटेबल्स विद द प्रिसीजन। अच्छा इसके बाद आगे चलते हैं जी, इक्कीसवें की तरफ, चूज द नाउन फ्रेज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जो इक्कीसवां है, इक्कीसवें का हमारे पास बी वाला ठीक होगा, और जो बाईसवां है, बाईसवें का ए वाला जो है वो ठीक होगा, द रिवर रावी हैज बीन फ्लोइंग स्टेडली। आगे चलते हैं जी, इसके बाद तेईसवां है हमारे पास, चूज द करेक्ट कोरेटिव कंजक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये हमने करना है। तो तेईसवें का ए वाला ठीक होगा, चौबीसवें का जो है वो हमारे पास डी वाला जो है वो ठीक होगा, ठीक है जी। गार्डनिंग जो है वो एक जेरंड है। और इसके बाद पच्चीसवां है, पच्चीसवें का हमारे पास डी वाला जो है वो ठीक होगा, इफ वाला जो है इसका होगा। इसके बाद छब्बीसवां है, छब्बीसवें का हमारे पास जो है वो सी वाला ठीक होगा, मे इज़ माई फेवरेट मंथ, ठीक है। इसके बाद सताईसवां है, तो जो सताईसवां है, सताईसवें का हमारे पास जो ए वाला ठीक होगा, और अट्ठाईसवें का सी वाला जो है वो ठीक होगा। इसके बाद उनतीसवां है, विच थिंग्स बिलोंग्स टू अ फॉलोअर्स, ठीक है। तो उनतीसवें का हमारे पास, उनतीसवें का जो है वो हमारे पास ए
तीसरे का बी वाला ठीक होगा। इसी तरह जो 31वां है, 31वें का भी हमारे पास ए वाला जो है ठीक होगा, ठीक है जी। इसके बाद जो 32वां है, 32वें का जो है सी वाला ठीक होगा। ये था जी हमारे पास इसका ए पार्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव पार्ट है जी, पहला सवाल है 33 पे, देयर वॉज अ फैमिली फंक्शन ऑफ योर हाउस, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फूड लेफ्ट राइट द पैराग्राफ इन द सेंटेंस हाउ विल यू यूटिलाइज द फूड फॉर फ्रीडी पीपल, करेक्ट ग्रामर पंक्चुअल। ये 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा, ये आपने लिखना है। ये मैं आपको इसका आंसर भी दिखा देता हूँ लास्ट में। इसके बाद है जी पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेंसा इन योर ओन वर्ड, यूज करेक्ट ग्रामर पंक्चुएशन स्पेलिंग। तो ये जो हमारे पास लिखी हुई है जी, आई कैन ब्रीथ स्लो एंड डीप और इवन आई वीप, तो ये एक नज़म के जो शेर है, ठीक है। तो इसकी आपने जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है अपने अल्फाज में। 10 नंबर का ये आएगा, इसका भी आंसर मैं आगे आपको दिखा दूंगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 35 है, ये पैराग्राफ आपने जो है वो समझ आ रही होगी। सामने लिखा हुआ है जी, सोलर सिस्टम इज द वेस्ट प्लेस दैट कंसिस्ट ऑफ सन, प्लैनेट्स, मून एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम इज द सन, जायंट बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग एयर। तो ये जो है वो आपने देख लेना है, और इसमें जो है वो आपने कुछ इसका टाइटल वगैरह जो है वो देना है। तो इसका भी आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। इसके बाद 36 है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपने इसके क्वेश्चन जो नीचे दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 37 जो है वो 4 नंबर का पैराग्राफ, ये आपको वहाँ से ही मिलेगा स्कूल से ही, और अगला सवाल भी स्कूल से ही आपको मिलेगा जो कि सुनने वालों। अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 33, उसका आंसर होगा ये वाला। ये पैराग्राफ जो आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, लास्ट फ्राइडे वो ईयर टू फैमिली, यहाँ से लेकर एंड तक जो है वो आपने करना है, काइंडनेस तक इसका जो है वो आंसर होगा। ये 10 नंबर का इतना सा आने वाला है, ये वाला आपने करना है। आगे चलते हैं 34। 34 का आंसर जो है वो ये वाला, दो लाइनें जो लिखी हुई हैं, ये वाला इसका आंसर होगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेन काम एंड कंपोज इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वी शुड अवॉइड कॉजिंग फियर एंड हार्म टू अदर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिस्पेक्ट द प्रॉपर्टी एंड वेल बींग टू अदर एज वेल एज वंस ओन, ठीक है। ये वाला जो आंसर लेकर यहाँ तक होगा। आगे 35 का जो आंसर है ये वाला होगा, द मार्वल ऑफ आवर सोलर सिस्टम इसका टाइटल है। आगे इसका जो है वो होता है जो है वो इसको सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है, ये वाला इसका आंसर जो है वो 35 का। आगे चलते हैं जी 36 की तरफ। ये हमारे पास है जी 36 का आंसर, ये नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल ऑफ स्वेक्सवेयर AI एप्लीकेशन मैंशनड इन द पैराग्राफ इंक्लूडेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं जी 37 की तरफ। तो 37 के लिए ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है पैराग्राफ, ये वाला आ सकता है, ये वाला आपने पढ़ के और जो है वो दिखाना होगा। आगे चलते हैं 38 की तरफ। तो 38 का आंसर नहीं है, क्योंकि ये वाला जो है वो टीचर आपसे सुने